हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चर्चा का टॉपिक है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। जैसा कि हम इसकी हेडिंग से जान रहे हैं तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यदि देश का सबसे लंबा है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा था? तो इसका सबसे इससे पहले सबसे लंबा समुद्री पुल जो था वो भूपेन हजारिका सेतु था, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के सबसे लंबे अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा सेवा सेतु का उद्घाटन किया। यह क्या करता है? यह मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है और उसके बीच की दूरी को इस पुल से जाने पर उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। यह लगभग 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इसकी जो लागत आई है, इस पुल पर बनने की लागत जो आई है वो ₹17,840 करोड़ है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स व जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।